टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म. क्या है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म? टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म के अकॉर्डिंगली सपोज करो आपके पास एक मैग्नेट है ना, बार मैग्नेट है, ये बार मैग्नेट है, टेबल पड़ी हुई थी, आपने हॉरिजॉन्टल फील्ड अर्थ का आपको पता है कि हर जगह लगता है, तो मान लो हॉरिजॉन्टल फील्ड कहाँ पर है, यहाँ पर था. ये मैग्नेट ऐसे नहीं घूम रही, प्लीज़ ये मैग्नेट ऐसे घूम रही है, ये ठीक है, टॉप व्यू दिखा रहा हूँ मैं आपको. तो हॉरिजॉन्टल फील्ड एक तरफ है और एक फील्ड आपने खुद अप्लाई कर दिया, एफ, एफ ले लो, बी ले लो, कोई भी नाम दे दो, और कैसे अप्लाई किया, एच के परपेंडिकुलर. तो आपने एक फील्ड अप्लाई किया एफ, एक फील्ड अर्थ का ऑलरेडी प्रेजेंट था एच. हॉरिजॉन्टल फील्ड ये चाहता है अगर आप एफ ना अप्लाई करते तो ये मैग्नेट हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ अलाइन हो जाती, हाँ इसके साथ चली जाती, और अगर हॉरिजॉन्टल फील्ड ना होता, आपका फील्ड होता, तो ये मैग्नेट एफ के साथ अलाइन हो जाती. पर एक्चुअल में दोनों फील्ड प्रेजेंट हैं. अब मैग्नेट कन्फ्यूज़ हो रही है, मैं कहाँ जाऊँ, मैं एच के साथ जाऊँ या मैं एफ के साथ जाऊँ, तो ये ना एच के साथ ना ये एफ के साथ कहीं बीच में एंगल बना के बैठ गई एच के साथ. तो हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ उसने एंगल क्या बना लिया, थीटा. हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बनाया थीटा, लॉ में एच के साथ एंगल है, एफ के साथ एंगल नहीं है, ठीक है. तो एंगल थीटा हमेशा किसके साथ है, एच के साथ है. अब जिसका फील्ड बड़ा होगा मैग्नेट उसी तरफ झुक जाएगी, सही है, अगर एफ बड़ा होगा और मुड़ जाएगी इधर. अब ये इक्विलिब्रियम में आ चुकी है, ना ये इधर जा रही है ना ये इधर जा रही है, ऐसा क्यों? मैथमेटिकल प्रूफ क्या कहता है? मैथमेटिकल प्रूफ ये है क्योंकि बार मैग्नेट इज लाइंग इन मैग्नेटिक फील्ड, इट विल एक्सपीरियंस अ टॉर्क. बार मैग्नेट मैग्नेटिक फील्ड में है तो ये क्या एक्सपीरियंस करेगी, टॉर्क. टॉर्क कैसे निकलता है, देखो इसके ऊपर इसकी पोल स्ट्रेंथ क्या है, छोटा एम, और फील्ड क्या है, एच. तो एक फोर्स क्या लगेगी, एम इंटू एच इस तरफ, एम इंटू एच इस तरफ कपल. ऐसी एक फील्ड एफ है तो एम इंटू एफ इधर, एम इंटू एफ इधर. क्या है पॉइंट, क्लियर है यहाँ तक? तो एम एच और एम एच कपल जनरेट करेगा, इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा. एम एफ इसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा, पर ये घूम तो कहीं रही नहीं है, इसका मतलब क्लॉकवाइज टॉर्क विल बैलेंस एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क. तो क्लॉकवाइज टॉर्क कितना है, एम एफ का टॉर्क क्या होगा, एम एफ इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस इनमें कितना है, एन ए. तो एम एफ इंटू एन ए. और ऐसी एम एच का टॉर्क क्या होगा, एम एच इंटू कितना, एस ए, एम एच इंटू एस ए. तो इन्हें इक्वेट करके एम सी एम कैंसल, एस की वैल्यू इसके इक्वल आ गई, और इसमें एस ए, ये थीटा और थीटा ऑल्टरनेट, एस ए बाय एन ए क्या है, टेन थीटा. तो एस ए बाय एन ए इज टेन थीटा. तो आपने ना ये करना है ना आपने ये करना है, बस आपने एक रूल याद रखना है. रूल ये है कि अगर आपके पास कोई मैग्नेट है, बार मैग्नेट है, और दो फील्ड आपस में 90 डिग्री पे हैं, सच दैट बार मैग्नेट ने थीटा एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल फील्ड के साथ, तो आपने जो फील्ड अप्लाई किया एफ इज ऑलवेज इक्वल टू एच इंटू टेन ऑफ थीटा. ये है टेंजेंट लॉ इन मैग्नेटिज्म. तो क्या ये पॉइंट सबको क्लियर है?